जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी, आदिशक्ति भवानी और परमपिता परमात्मा आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। रीम रीम ओम नमः शिवाय, रीम ओम। दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय काल विनाशिनी काली, जय जय उमा रमा ब्रह्मानी, जय जय सीता राधा रुक्मणी, जय जय देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। ग्रहों के मंदिर क्यों नहीं बनते हैं और पुराने जमाने के लोग नवग्रह के मंदिर क्यों नहीं बनाते थे? बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है। आजकल जरूर नवग्रह के मंदिर बनने लगे हैं जगह जगह। स्वतंत्रता के बाद से नवग्रह के मंदिर बनना प्रारंभ हुए, अन्यथा पुराने जमाने के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में नवग्रह के मंदिर आज तक नहीं मिले हैं और न ही नवग्रह की मूर्तियां मिली हैं। इसका अर्थ यह है कि नवग्रह ईश्वरी तुल्य, जिनको बोलना चाहिए आदि शक्ति, जिसका कोई आदि और अंत नहीं होता, ऐसा नहीं है। यह नव ग्रह को ईश्वर नहीं माना गया है। आपने कभी भी बुद्ध का मंदिर नहीं देखा होगा, आपने कभी चंद्रमा का मंदिर देखा है, मंगलनाथ का मंदिर जरूर है, वो भी मंगलनाथ के रूप में है, यानी शिवजी के रूप में बनाए गए हैं। मंगल जी का मंदिर विश्व का एकमात्र मंदिर है जो उज्जैन में है, मंगलनाथ महाराज का। बाकी चंद्र का मंदिर नहीं है, बुद्ध का मंदिर नहीं है, गुरु का मंदिर नहीं है, शुक्र का मंदिर नहीं है, शनि के मंदिर स्वतंत्रता के बाद से बहुत ज्यादा बना दिए गए, और सूर्यनारायण के मंदिर जो एक दो मंदिर बने हुए हैं वो भी पुराने जमाने के राजा महाराजा ने बनाए थे। बाकी राहु और केतु का मंदिर नहीं है। तो इसका अर्थ यहां पे ये होता है कि इन ग्रहों को मंदिर के रूप में यानी ईश्वरी तुल्य मान करके इनकी मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि ये तो साक्षात आकाश मंडल में हमको नजर आते हैं, दिखते हैं। आप चंद्रमा को देखते ही हो, चंद्र ग्रह है, तो उसकी ऐसे प्रत्यक्ष पूजा करिए। ऐसे ही सूर्यनारायण भगवान नजर आते हैं, सूर्य ग्रह की ऐसे ही प्रत्यक्ष पूजा करिए, रोज ही दिखते हैं आपको। मंगल भी आपको आकाश मंडल पे अवश्य दिखता है, गुरु भी दिखता है, शुक्र भी दिखता है। शनि जरूर दूर है और धीमा ग्रह है, इसलिए वो शायद नजर नहीं आता है, और बुध हमेशा सूर्य के साथ में ही रहता है, इसलिए नजर नहीं आता है, अस्त ही रहता है। तो सूर्य की पूजा यानी बुध की पूजा भी हो जाती है। इसलिए पुराने जमाने के समय पे हमारे बड़े बुजुर्ग और ऋषि मुनियों ने नव ग्रह के मंदिर नहीं बनाए। इसीलिए नहीं बनाए क्योंकि उन्हें विशेष अनुष्ठान करते समय उनका याद करना जरूरी होता है, केवल उनको सिर्फ जप तप करके ही, आप अपने आचरण में परिवर्तन करके ही उनको अपने अनुकूल कर सकते हो, क्योंकि ग्रहों को अपना कार्य करने का आदेश दिया गया है, वह अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ग्रहों के मंदिर में पूजने के बजाय ग्रहों को आप ऐसे प्रत्यक्ष रूप से पूजिए। शनि देव को पीपल के नीचे पूजना चाहिए और राहु केतु को ऐसे ही मंत्र जप करके, हवन करके शिवजी मंदिर में पूजन अर्चन करना चाहिए, क्योंकि शिवजी के गले में सांप है और राहु केतु सांप का प्रतिनिधित्व करता है।
राहु सांप का मुंह है, वो खाने का काम करता है, पूंछ तड़पाने का काम करती है। इसलिए यदि आपको ग्रह की शांति करना हो, सूर्य की शांति करना हो, तो रोजाना सूर्यनारायण भगवान को जो दिखते हैं उस समय पे सवेरे सवेरे पूजन अर्चन कर लें। चंद्रमा को जब चंद्रमा दिखता है तब चंद्रमा का पूजन अर्चन कर लें। बुध ग्रह के लिए पेड़ पौधों को लगाना प्रारंभ कर दें, उन्हीं पेड़ पौधों की पूजा करना प्रारंभ कर दें, बुध ग्रह आपका अच्छा हो जाएगा। गुरु ग्रह के लिए आपके वर्तमान में जो भी गुरु होते हैं, जिनसे गुरु दीक्षा ली जाती है, जिनसे पढ़ाई लिखाई करते हैं, उन गुरुओं का मान सम्मान करना प्रारंभ कर दे। रोजाना अपने माता पिता और गुरुओं का चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दे, वो साक्षात गुरु हैं। शुक्र के लिए अपने घर में जितनी भी मां बहन बेटी स्त्रियां होती उनका मान सम्मान करना प्रारंभ कर दे। शनि के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर दें। इस प्रकार से ये नव ग्रह की पूजा होती है। इसलिए पुराने जमाने के स्वतंत्रता के पहले कहीं पर भी कोई भी नव ग्रह का मंदिर नहीं हुआ करता था, और आज भी सिर्फ ज्यादा प्रचार प्रसार होने की वजह से शनि मंदिर ज्यादा बन रहे हैं। कोई भी बुद्ध का मंदिर नहीं बनाता है क्योंकि शनि से डर लगता है, इसलिए शनि मंदिर आजकल बनाने लगे हैं और शनि मंदिर की पूजा अर्चन भी होने लगी है। अन्यथा पुराने जमाने में शनि मंदिर भी नहीं बनाया करते थे और नहीं पूजा अर्चन होती थी। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ओम अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च कर्कोटकम तक्षकम च कालिये। इस प्रकार से आपको नवग्रह के मंत्रों से मानसिक रूप से भी आप नवग्रह शांति कर सकते हैं।